नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान में कराची के रीजेंट प्लाजा होटल में लगी भीषण आग, 11 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा घायल। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। न्यूजीलैंड के पीएम जॉन की ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा, पारिवारिक कारणों का दिया हवाला। काफी लंबे वक्त से परिवार के साथ समय गुजारना चाहते थे जॉन। सीरिया के उत्तर पश्चिम प्रांत इदलिब के कई इलाकों में रूस का हवाई हमला, 46 लोगों की मौत, कई जख्मी। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने की पुष्टि। इटली में संविधान में बदलाव को लेकर जनमत संग्रह को जनता ने नकारा। एग्जिट पोल में प्रस्ताव के खिलाफ करीब 60 और पक्ष में 40% हुई वोटिंग। हार के बाद प्रधानमंत्री मैरिटो रेंजी ने की इस्तीफे की घोषणा। स्पेन के टोलेडो प्रांत में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोगों की मौत, कई घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और कॉमेडी शो में उड़ाए गए मजाक से भड़के अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने ट्वीट कर जताई नाराजगी। एलेक बोल्डविट ने निभाई थी ट्रंप की भूमिका। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।